कहानी गणेश जी की कहानी। एक मेंढक था, एक मेंढकी। मेंढकी रोज गणेश जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला, तू पराये पुरुष का नाम क्यों लेती है? अगर अब तू दोबारा गणेश का नाम लेगी तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। राजा की दासी आई, उसने मेंढक और मेंढकी को पतीले में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। तब दोनों सिकने लगे। मेंढक मेंढकी से बोली, बहुत कष्ट हो रहा है, तू अपने गणेश जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बार गणेश जी 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 कहा तो एक सांड लड़ता हुआ आया और पतीले को गिरा दिया। मेंढक और मेंढकी बहते हुए तालाब में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक और मेंढकी का दुख दूर किया, वैसे इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, सबके कष्ट दूर करना, हमारे भी कष्ट दूर करना और सारे परिवार के कष्ट दूर करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। वैशाख स्नान के बाद सुनी जाने वाली राम जी की चिड़िया की कहानी। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसकी 7 बेटे और बहुएं थी। बूढ़े का मन वैशाख नहाने का था। उसने अपनी 6 बहुओं से कहा, मैं वैशाख का स्नान करूंगा, क्या तुम सब निभा दोगी? बड़ी 6 बहुओं ने इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी बहू बहुत ही समझदार और अपने सास ससुर की इज्जत करने वाली थी। उसने अपने ससुर जी से कहा, मैं आपका सारा काम निभा दूंगी, आप वैशाख स्नान करना चाहते हैं तो हमारे घर आकर ही नहा लेना। क्योंकि वह थोड़ी गरीब थी, इसीलिए वह सबसे दबती थी। लेकिन जब उसने ससुर की वैशाख नहाने की हामी भर दी तो ससुर जी छोटी बहू के यहाँ आकर रहने लगा और वैशाख नहाने लगा। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर स्नान करता, धोती उसके आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे धोती में से पानी गिरता, वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6वीं बहुएं कहने लगी, पिताजी हमारे यहाँ आकर नहा लें। तब बूढ़ा कहने लगा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लेता हूँ। अगली सुबह बूढ़ा नहा धोकर धोती आंगन में डाल देता है। वहाँ हीरे मोती तो नहीं गिरते, लेकिन सारी बुएं कहने लगती हैं, हमारे यहाँ तो हीरे मोती नहीं गिरते, हमारे यहाँ तो कीचड़ हो जाता है, हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो और छोटी बहू के यहाँ तुम पुण्य से नहाते हो। अब बूढ़ा फिर से छोटी बहू के यहाँ नहाने लगा। रोज सुबह धोती धोता, हीरे मोती गिरते। इस वैशाख का पूरा महीना खत्म हो गया। अब बूढ़े को चिंता सताने लगी। वह सारे परिवार को भोजन पर बुलाना चाहता था। बहू ने ससुर से चिंता का कारण पूछा। ससुर बोला, बहू मैं पूरे परिवार को खाने पर बुलाना चाहता हूँ। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे दें। तब बूढ़े ने न्योता दिया। जब बूढ़ा अपनी सारी बहुओं को न्योता देने गया तो बहुओं ने कहा, हम तो तभी तुम्हारे घर आएंगे जब छोटी बहू तुम्हारे घर नहीं होगी। बूढ़ा वापस आकर चिंता में बैठ गया। छोटी बहू ने पूछा, पिताजी आप किस बात की चिंता करते हैं? तब बूढ़े ने कहा, सभी का कहना है कि यदि तुम घर में रहोगी तो हम खाना नहीं खाएंगे। तब छोटी बहू ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं 4 रोटी लेकर खेत में चली जाऊंगी, आप न्योता दे दें। सारी बहुएं आईं, उन्होंने कुछ तो खाया, कुछ खिंडाया और कुछ में मिट्टी और कंकर डालकर चली गई। उन्होंने सोचा, अब तो छोटी बहू आकर परेशान होगी। उधर छोटी बहू खेत में कह रही थी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुर जी ने घर में जगह दी है, मैंने खेत में। इस तरह से वह चिड़ियों को बाजरा डालकर घर आ गई। तब बूढ़ा उदास बैठा हुआ था। वह बोला, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? तब बूढ़े ने कहा, बहू तुम्हारी देरानी जेठानी आई थी, उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर से बनाकर खा लूंगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निमट गया। बूढ़ा बोला, हाँ बाकी सब तो अच्छे से निमट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो जाकर देखती है, जिस खाने में देरानी जिठानी मिट्टी डाल गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं, घर महल हो गया है, सारा घर धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार भर गए हैं।
तब ससुर ने कहा से उसने कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे मेरे लिए कुछ नहीं बचा, मेरे घर में तो हीरे मोती भर गए हैं, जहां देखो वहां धन दौलत की वर्षा हुई पड़ी है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े ने कहा, बेटी एक सस्य निभाया, उन्होंने पाप से का देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारे घर भर गए, जैसे कहीं बहू का घर भरा वैसे ही इस कहानी को कहने सुनने वाले का भी ऐसे ही हीरे मोतियों से घर भरना, अन्न धन के भंडार भर देना।